अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए एक छोटी सी वीडियो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बृहन मुंबई महानगर पालिका कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम, टॉपिक सब्ट्रैक्शन, स्टैंडर्ड फोर्थ मैथमेटिक्स, टॉपिक सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग। आई एम शेख फरहत परवीन इमदाद अहमद फ्रॉम मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल। आर सीनो इज शेख जावेद मकसूद सर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर इज शेख खालिद सर। बच्चों, हर सुबह का आगाज, हर चीज का आगाज हमें अल्लाह पाक की तस्बीह व तारीफ से करनी चाहिए, है ना। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफकहू कौली। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो अच्छे से बैठ जाइए और इत्मीनान से बैठिए। चलिए, इस ऑनलाइन एजुकेशन में जो है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं और उर्दू मीडियम के भी। सेमी इंग्लिश इसे कहा जाता है। कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स इंग्लिश में है और कुछ बच्चों को जो है वो उर्दू में है ना। तो हम दोनों चीज को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू लाइक बलून? क्या आपको बलून पसंद है? हाँ बच्चों, सर अनम्यूट है बच्चे। हेलो, हाँ मिस। ओके मिस, आपको बलून पसंद है? यस मिस। ओके ओके, चलिए देखिए, दिस इज अ बलून सेलर। ये कौन है? बलून सेलर है, यानी कि गुब्बारे बेचने वाला है ना। ही हैड सिक्स बलून्स, उसके पास जो है छह बलून हैं। कितने बलून हैं? छह। हाँ, ये टीना और ये आसिफ, बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे वेंट टू बाय बलून्स। ओके, सो बलून सेलर गिव देम बलून्स 1, 2, 3। इन लोगों ने 3 बलून्स जो है खरीदे बलून वाले से। सो हाउ मेनी लेफ्ट बलून्स विद बलून सेलर? वेरी गुड, 6 बलून था गुब्बारे वाले के पास। हाँ, उसमें से 3 बलून ये दोनों बच्चों ने ले लिए। अब हाँ, कितने बलून रह गए गुब्बारे वाले के पास? 3 बलून। हाँ, विच प्रोसेस डन हियर? यहाँ पे कौन सा अमल हुआ? एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ? माइनस। वेरी गुड, माइनस। वेरी गुड, तो माइनस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। चलो, वन मोर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक और एग्जांपल है। दिस इज अ सीसाइड एंड दिस गर्ल नेम इज मीना। इस बच्ची का नाम है मीना। शी हैड आइसक्रीम्स 1, 2, 3, 4। Suddenly what happened? Sun came. सूरज आ गया। सूरज आ गया। He started melting ice cream. 1, 2. Melting का मतलब सूरज आ गया और आइसक्रीम्स को वो पिघला दिया। तो टोटल आइसक्रीम्स कितनी थी? टोटल 4 टोटल आइसक्रीम्स। टू मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब हो गया है पिघल गई। हाउ मेनी लेफ्ट आइसक्रीम्स विद दिस मीना? ये मीना के पास कितनी आइसक्रीम बच गई? 2 आइसक्रीम्स लेफ्ट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सब्ट्रैक्शन। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, है ना। लेट्स मूव अहेड। ऑलरेडी हम ये स्टार्ट कर चुके हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक सम, ये है आप, ये सब्ट्रैक्शन लेसन ही हमारा चल रहा है, ठीक है। Thank you.
चलिए टुडे वी हैव सेम सब्जेक्ट एंड सेम चैप्टर दैट इज सब्ट्रैक्शन मतलब के तफरीक. हमारे पास सेम सबक है और सेम एक ही सब्जेक्ट है जिसका नाम है रियाजी और सबक का नाम है तफरीक. क्या नाम है सबक का? तफरीक. तो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक आपको आप सब जानते हैं वो विच टॉपिक इज टुडे. क्या आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन है. चलिए मैं आपको बताती हूँ टुडे न्यू टॉपिक इज व्हाट. हासिल वाली तफरीक सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग. यस्टरडे यू हैड लर्नड अबाउट सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोविंग. कल आपने बगैर हासिल वाली तफरीक पढ़ी थी है ना. टुडे वी विल स्टार्ट हासिल वाली तफरीक सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग. आज हम जो है हासिल वाली तफरीक पढ़ेंगे. आर यू रेडी? पढ़ना चाहते हैं आप सभी लोग? यस टीचर. गौर से सुनो क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको गूगल फॉर्म अटेंड करना है. ओके ओके आई एम टेकिंग सम रिवीजन. मैं आपका कुछ इयादा कर रही हूँ ठीक है. व्हाट इज मीन बाय सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का मतलब क्या होता है? लेट्स सी एग्जांपल नॉट एग्जांपल डेफिनेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन मींस टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तफरीक का क्या मतलब होता है? दो अददों के दरमियान फर्क मालूम करना. दो अददों के दरमियान क्या मालूम करना? फर्क मालूम करना. ओके यस याद रखो बच्चों. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम आल्सो. सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी वी हैड लर्न दैट हैज टू मेथड. सब्ट्रैक्शन के कितने मेथड है? टू मेथड. नंबर वन दैट इज वर्टिकल मेथड. इट इज कॉल्ड इन उर्दू खड़ी तरतीब में तफरीक करना. एज एन अनदर मेथड इज वॉट हॉरिजॉन्टल यानी के आड़ी तरतीब में तफरीक करना. ओके स्टूडेंट्स ये याद रखो. हाँ दिस कैन बी आस्क्ड हमेशा याद रखना. यस्टरडे यू हैड लर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल मेथड. कल आपने हॉरिजॉन्टल मेथड यानी आड़ी सीखा और वर्टिकल मेथड में भी आपने सीखा. टुडे विल बी लर्न वर्टिकल मेथड. ओके सो स्टार्ट. सब्ट्रैक्शन दैट इज तफरीक. आपका ये एक और रिवीजन ले रही हूँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट इज 11 माइनस 3 दैट इज 8. कैन एनीबडी टेल मी दिस अपर नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ये ऊपर वाले नंबर को क्या कहा जाता है? किसी को पता है? मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ. क्या कहते हैं? कुंडन. कुछ याद है किसी को? चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बताती हूँ. दिस अपर नंबर इज कॉल्ड मिन्यूएंड. वेरी इंपॉर्टेंट. इस नंबर को क्या कहा जाता है? मिन्यूएंड. मिन्यूएंड का मतलब क्या होता है बच्चों? वो अदद जिसमें से तफरीक किया जाए. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मिन्यूएंड. यानी कि हमको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है. बेटा खामोश रहिए. वो अदद जिसमें से तफरीक किया जाए उसको मिन्यूएंड कहते हैं. इट मस्ट बी अ लार्ज नंबर. लार्जर नंबर. ऊपर का जो नंबर है ना लार्ज का मतलब होता है बड़ा होना चाहिए ठीक है. तो ऊपर वाले बड़े नंबर को मिन्यूएंड कहा जाता है ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड व्हाट? अंडर द मिन्यूएंड यानी कि मिन्यूएंड के नीचे जो नंबर है उसे क्या कहा जाता है? कुछ आइडिया है? नो दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. क्या कहते हैं नीचे वाले नंबर को? सब्ट्रैक्शन. जो इस माइनस साइन के साथ जो भी नंबर आएगा ना उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं ठीक है. यानी कि तफरीक होने वाला अदद. कौन सा होने वाला अदद? तफरीक होने वाला अदद. इट मस्ट बी अ स्मॉलर नंबर. ये छोटा होना चाहिए. स्मॉलर का मतलब होता है छोटा होना चाहिए. ओके एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? नीचे वाले को क्या कहते हैं आपको पता है? डिफरेंस. द आंसर. हाँ द आंसर और रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस. यानी कि दो अददों के दरमियान तफरीक होने के बाद हासिल होने वाले अदद को या जवाब को फर्क कहते हैं.
या डिफरेंस कैसे है, याद रहेगा ना आप लोग को? फर्स्ट मिन्यूएंट माइनस साइन के साथ जो भी नंबर रहेगा वो सत्रह है, और जो आंसर आया उसको कहते हैं ओके स्टूडेंट, दिस विल यूजफुल फॉर गूगल फॉर्म. ओके already I had taught you what some terminologies that is required for us to understand. हमने आपको माइनस के बारे में जो है कुछ टर्म्स बताए थे, जिसको याद रखना होगा हमको पता चलेगा हमको सब्ट्रैक्शन का अमल करना है. पता है आपको कौन कौन से हैं सब टर्मिनोलॉजीज जिससे हमें तफरीक का अमल पता चलेगा? नंबर वन दैट इज टेक अवे. टेक अवे मीन्स व्हाट? Taking away some objects or numbers from one group is called subtraction. किसी ग्रुप से किसी चीज या आदाद ले जाने वाले को तफरीक कहते हैं. समझे? टेक अवे का मतलब होता है निकालना. टेक अवे का मतलब क्या होता है? निकालना. ठीक है, किसी ग्रुप में से, किसी ग्रुप में से. और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है देखते हैं. डिफरेंस यानी के फर्क मालूम करना. ठीक है, अगला है आपके पास लेस. लेस का मतलब क्या होता है? कम करना. आपको याद आ रहा है बच्चे ये सब? कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड. चलिए देखिए, इसलिए रिवीजन ले रही हूँ आपका. सब्ट्रैक्ट ये भी हमको तो पता ही है. सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना. क्वेश्चन भी आता है सब्ट्रैक्ट यानी के तफरीक करो. राइट. अब एक और लफ्ज है माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए. माइनस. माइनस का मतलब भी होता है घटाना, निकालना. और एक वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज हाउ मेनी मोर, हाउ मच मोर. इसका मतलब होता है और कितना ज्यादा. कभी भी सवाल में आपको ये दिखाई दे या कोई भी जो अल्फाज आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे कौन सा अमल करना है. सब्ट्रैक्शन का अमल करना है. कौन सा अमल करना है प्यारे बच्चों? सब्ट्रैक्शन का. यस, याद रहेगा ना? चलो नेक्स्ट. सब्ट्रैक्शन पेज नंबर 25, सफा नंबर 25 पर हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग. इसका मतलब होता है हासिल वाले तफरी. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 9072 माइनस 7545. 9072 में से 7548 हमको क्या करना है? माइनस करना है ना? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? किसी को याद है? कल भी आप पढ़े हो. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? सर बच्चों को अनम्यूट कीजिए. यस, ओके. हाँ बच्चों बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या है? क्या हम इसको डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे? नहीं. वेरी गुड. इकाई दहाई. यस, यानी के प्लेस वैल्यू चार्ट हमको बनाने का है ना? ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये उर्दू मीडियम के लिए. तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. उर्दू में कहते हैं इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना? अब हम ये वैल्यूज को, इन कीमतों को क्या करेंगे? बॉक्स में पुट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. 9072, तो यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करेंगे. 900 के प्लेट्स पे क्या है? जीरो. टेन प्लेस पर सेवन और इकाई के प्लेस पे दो. ओके अच्छा ये बताइए मुझको, ये बताइए ये नंबर मिन्यूएंड है या सब्ट्रैहेंड है? चलो बताओ. आपका टेस्ट लेती हूँ मैं इसी में. वेरी गुड. हाँ मिन्यूएंड है. वेरी गुड. दिस नंबर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तफरीक करने जा रहे हैं. इस नंबर को क्या कहेंगे? चलो पहले वैल्यूज क्या बुक करेंगे. हाँ सब्ट्रैक्ट. वेरी नाइस. 7548. चलो लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. कैन वी सब्ट्रैक्ट 8 यूनिट्स फ्रॉम 2 यूनिट्स? क्या दो में से दो इकाई निकाल सकते हैं क्या हम? नो नो. व्हाट व्हाट वी कैन डू? क्या कर सकते हैं? कैरी बाय. कैरी बाय. विल बोरो तफरीक वाली है, हासिल वाली तफरीक है ना बेटा? तो विल बोरो. वेरी गुड. तो किससे लेंगे हम लोग? दहाई से लेंगे.
है ना, यानी कि टेंस से लेंगे। यूनिट देखो बोलते हैं अरे दहाई, मुझे एक अपनी दहाई दे दो ना, प्लीज टेंस, अपना एक वन टेन मुझे दे दो ना। चलो देखो कैसे देता है ये दहाई इकाई को, ये टेंस यूनिट को कैसे देता है, हम देखते हैं। ओ सेवन अपना, यानी कि सेवन टेंस, सेवन दहाई ने अपना एक दहाई जो है एक इकाई को दे दिया, और ये टू कब होके ऊपर चला जाएगा, यानी पूरा 12 इकाई हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। वन टेंस, सुनो मेरी बात सुनो, वन टेंस प्लस टू यूनिट इज इक्वल टू 12 यूनिट, समझ में आ रहा है आपको? अब क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं ना, 12 में क्या कर सकते हैं ना? यस मिस। ओके, अब 8 के आगे आप काउंट करो अपनी उंगली पे 12 तक, जितनी उंगली बचेगी वो आपका आंसर है। काउंट करते हो 8 टिल 12, वेरी गुड, 4 मिस 4। और ये 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, हमने इससे लिए ना, बचेगा। यस ओके, चलिए माइनस करने पे, तफरीक करने पे हमको क्या मिला, 12 - 8 इज इक्वल टू 4। ओके नाउ सब्ट्रैक्ट 6 - 4, 6 दहाई में से 4 दहाई निकाले तो कितना बचा, 2। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कैन वी सब्ट्रैक्ट 0 - 500? नो। अगेन व्हाट डू वी डू, अगेन क्या करें, बोरो लेंगे। यस, अब 1000 हम लेंगे 1000 में से, ठीक है, तो 9000 है ना, ये 9000 वाले से हम क्या करेंगे, 1000 लेंगे, तो ये 9 कट जाएगा। ओके, और ये 0 कटेगा और ये हो जाएगा पूरा 10 100, यानी कि 100, ठीक है, मैं दोनों समझा रही बेटा, हाँ सब गौर से समझो। और ये 1000 कितना हो जाएगा अभी, 9000, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो नाउ स्टार्ट सब्ट्रैक्शन, 10 - 5, हाउ मेनी लेफ्ट, 5, दस में से 5 किया तो 5, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, नाउ 8 - 7 इज इक्वल टू हाउ मच, 1524, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, 528, दिस आंसर इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या कहते हैं, इसको तो आप डिफरेंस, नो नो, हाँ तफरीक, वेरी गुड, इसको डिफरेंस कहा जाता है, यानी कि इन नंबरों के में जो फर्क हमको मिला है वो इतना है, एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान है, 5000 - 967, 5000 में से 967 हम निकालेंगे। दावा फातिमा, दावा बेटा सो के नहीं पढ़ा जाता है, सर आपको कितनी हिदायत देते हैं ना, बैठ के पढ़ो, वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, स्टार्ट करें वैल्यूज पुट करना, मकान yes, की मत लो, चलो स्टार्ट करो, 5000 आगे बोलो, 0 5000 0 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
डिजिट, तो यूनिट एंड हंड्रेड, तो हंड्रेड के प्लेस पे क्या आएगा? नाइन, है ना, सैकड़े की जगह पे नाइन आएगा. सिक्स टेंस एंड हाउ मेनी यूनिट? सेवन यूनिट. सेवन. चलो स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. कैन वी सब्ट्रैक्ट सेवन फ्रॉम जीरो? जीरो में तो सात जाएगा क्या? देयर इज नथिंग नंबर इन द टेंस प्लेस, जीरो प्लेस, हंड्रेड प्लेस. सो व्हाट डू वी डू? क्या करेंगे? ना तो दहाई के मकाम पे नंबर है, ना तो सैकड़े के पे है. अब कहाँ से लेंगे हम लोग नंबर? क्या कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड. तो वी विल बोरो फ्रॉम थाउजेंड, हम हजार में से उधार लेंगे. चलो भाई हजार, अब तुम दे दो हंड्रेड को सबसे पहले. तो ये फाइव कट जाएगा एंड दिस विल बिकम फोर, राइट? एंड दिस जीरो विल बी कट एंड दिस जीरो विल गो अपर साइड इन हंड्रेड कॉलम. ठीक है, हंड्रेड के ये टेन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. अब ये टेन, अब ये टेन से हम, अब ये टेन क्या करेगा? हंड्रेड से लेगा. तो ये टेन क्या हो जाएगा बच्चों? कट. एंड और ऊपर क्या बच जाएगा? नाइन हंड्रेड. हाँ, अब ये टेन बिकम्स हाउ मच? कितना हो जाएगा?
ये पूरा हो जाएगा, ये 10 हो गया है ना, 10 दहाई। अब चलो यूनिट बोलते, अरे भाई अब मुझे भी दे दो ना कुछ नंबर, तुम लोग के पास तो आ गए हैं, मैं तो खाली बैठा हूँ। अब ये किससे लेगा इकाई, किससे लेगा यूनिट, किससे लेगा नंबर? 10 से 10 से 10 से। टेन विल कट एंड दिस विल बिकम 9 एंड दिस 0 विल गो अप साइड इन यूनिट कॉलम एंड दिस विल बिकम 10 और ये पूरा 10 इकाई बन गया। Now we can subtract easily. 10 minus 7, how much? 3. 9 tens minus 6 tens, how much? 3. 9 minus 9? 0. 0. There is nothing number under the 1000 place. Hai kya niche koi number? No. 4. Write as it is. We'll write as it is. हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। 4,033. क्या हुआ है? नहीं। 4,033. 4,033. Very good. 4,033. 4,033. आगे आपको समझ में आए? 3,033. Yes. Yes, miss. चलिए, next question. Question number 3. 4,215 माइनस 2,649, ठीक है, 4,215 में से माइनस करेंगे कितना, 2,649, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, टू ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट, मकामी कीमत का चार्ट बनाएंगे। चलो हम प्लेस वैल्यू बताएंगे फटाफट। वेरी गुड। 4,000 की प्लेस में 100 प्लेस में 1 टेंस की प्लेस में 5 यूनिट की प्लेस में। वेरी गुड। बाय विच नंबर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हमको? 2,649. हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैन वी सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 5? 5 में हो जा सकता है? नो। बोरो बोरो करेंगे दिस विद ए 1। हां तो ये 110 जो है यूनिट को अपना दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/15 है ना, एंड दिस विल बिकम 0 है ना, ये बिकम 0। 15 में से 9 गया तो कितना आया हमारे पास आंसर? ये आया 0। अब हम 0 में से 4 निकाल सकते हैं क्या, 0 में से 4? नहीं, नो मिस। बोरो करेंगे, राइट, बोरो करेंगे तो 200 में से 100 हम ले लेंगे, बोरो करेंगे तो 100, ये 10 टेंस हो जाएगा और ये है 200, हाउ मच? 100। सो 10 एंड 10 माइनस 4 इज हाउ मच? 6। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलो अब 100 में से 600 जाता क्या? नहीं, सेम। ओके, नो मिस। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 11। 11 माइनस 6 हाउ मच? 1,566। 7,123 minus 5,784, 7,183 4, 7,000 7,000 123 minus। चलिए कितना माइनस करना है हमको? 5,784। वेरी गुड। चलिए कैन वी सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3? 3 में से 4 जाएगा क्या हमारा? नो मिस। चलो जल्दी से बोरो करेंगे और ये 3 ऊपर गया है ना, जाएगा ना, और ये 2 कट जाएगा और ये ऊपर कितना बचा टेंस पर? 1। 13 में ये पूरा 13 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर दहाई में 1, 13 में से 4 गया तो 9। अब 1 में से 8 जाएगा क्या? 1 दहाई में से 8 दहाई? नहीं। 10 में से 12 गया। हाँ तो दिस विल बिकम हाउ मच? 11 है ना। 11 माइनस 8 हाउ मच? 3।
वो देयर इज नो विच नंबर कितना बचा है इधर जीरो हंड्रेड जीरो सैकड़ा सिफर सैकड़ा अब सिफर में से सात जाएगा क्या बच्चों आप बताओ नहीं जाएगा आप क्या करेंगे दस में से सात निकालेंगे तो कितना बच्चा टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू हाउ मच हाउ मेनी लेफ्ट इन थाउजेंड प्लेस वी हैव टेकन ना 1000 फ्रॉम 7000 सात हजार में से 1000 लिए थे ना सिक्स सिक्स माइनस एक हजार तीन सौ उनतालीस चलो रिविजन है आपका चले आप लोग मुझे बताते जाएंगे कोई एक बच्चा ये रीड एनीवन कोई एक बच्चा एक क्वेश्चन को पढ़ो रीड दिस क्वेश्चन एनीवन प्लीज 3014 माइनस में से 2500 चलिए प्लेस वैल्यू को पुट कीजिए 7 units. चलो स्टार्ट कीजिए सब्ट्रैक्ट करना कैन वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 4 यूनिट्स सारे में से कट जाएगा नहीं क्या होगा कुबरा कुबरा क्या करेंगे हम लोग हाँ तो ये दिस विल कट है ना एंड दिस विल बाजू से लेंगे हाँ ये 110 यूनिट के पास चला जाएगा ये 4 कट जाएगा और 14 माइनस 7 इज हाउ मच सेवन ले और ये जीरो बचता है ठीक है तो हो गया हमारे पास सेवन चलो जीरो में से टू जाएगा क्या कैन यू सब्ट्रैक्ट नो नो अगेन ये गलत हो गया यहाँ पे मिस्टेक है चलिए अब इसके पास नहीं था ना कुछ भी तो हमने इससे लिए बराबर तो अभी क्या करेंगे बच्चों इसके पास कितना हो गया चलो हाँ अब इससे लिए तो इसके पास कितना हो जाएगा 900 और इसके पास टेंस के पास कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 2 इज हाउ मच 10 माइनस 2 9 माइनस 2 इज 4 2 माइनस 2 इज 0 आंसर हो गया 487 487 487 ओके बच्चे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमारा खत्म होता है सर है ना अभी आपको लिंक सेंड कर रहे हैं चैट बॉक्स में ठीक है तो आप लोग उसे सॉल्व कीजिए सर सेंड कीजिए प्लीज जी दस मिनट का टाइम रहेगा बच्चियों आपको ठीक है लिंक सेंड कर दिया हूँ चेक कर लो बच्चों बच्चों चेक करो और जल्दी जल्दी जो है स्टार्ट करो उसका फिलअप करना ठीक है देखिए आपके सामने सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर जी जी हो रही है देखिए बच्चों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको अपना जो है ईमेल आईडी इधर पुट करना है ठीक है क्या पुट करना है ईमेल आईडी इसके बगैर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ये ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखिए यहाँ पे स्कूल का नाम लिखिए योर स्कूल नेम ठीक है
और ये डिस्ट्रिक्ट आप मुंबई के है ना, तो देखो यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, जब मुंबई वाले मुंबई सिटी पर क्लिक करेंगे ठीक है, और जो दूसरी जगह से रहने वाले हैं वो अपना आप लोग देखिए आप लोग को क्या आप कहाँ के हैं, आप कहाँ रहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, लेकिन जो मुंबई वाले बच्चे हैं हमारे वो क्या करेंगे, मुंबई सिटी पर क्लिक करेंगे ठीक है बच्चों। और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, कुछ हल करना होगा सवालात आपको, आपको जवाब टिक करना है, और जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो हमको पर्सनली शेयर कीजिए, या शगुप्ता टीचर को शेयर कीजिए, या जावेद सर को शेयर कीजिए, वो स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। स्टार्ट कीजिए फिलिंग फास्ट, ओनली 10 मिनट्स यू हैव, यू विल गेट द सर्टिफिकेट आल्सो। और ये लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, प्लीज रेट द पेपर, आपको पेपर कैसा लगा आप उस पर क्लिक करेंगे, A1 आपको देना है, A2 देना है, B1 देना है, B2 देना है, C1 देना है, C2 देना है, आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा मार्क्स देना चाहते हो ठीक है, आप दीजिए। समझ गया ना आप लोग बेटा, स्टार्ट कीजिए। ईमेल आईडी होगा तो ही मिलेगा बेटा, ग्रीन मुंबई की किसी बच्ची ने की है बेटा, सर्टिफिकेट मिला है तो प्लीज बताओ, अपनी शगुफ्ता टीचर को बताओ। वेरी गुड, करते जाओ। मुंबई सिटी पर क्लिक करेंगे आप, मुंबई सिटी पर 10 मार्क्स का पेपर है आपके लिए। थोड़ा उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू, हाँ सर टाइम नहीं मिला था ना मुझे, सी में टाइम चला गया था। नहीं थोड़ा पढ़ दीजिए तो बच्चे जो है वो थोड़ा। जी जी मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी जी, हाँ बच्चों मैं आपको, देखिए उर्दू मीडियम वाले, डैश इज यूज टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, किसके जरिए हमको पता चलता है दो नंबरों के बीच में फर्क, किससे पता चलता है, एडिशन यानी कि जमा से पता चलता है हमको, कि तफरीक से पता चलता है, सब्ट्रैक्शन से। तो आप लोग खुद से कीजिए, ये वाला बहुत आसान है, इससे पहले आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिए थे क्विज में ठीक है। कौन किसके जरिए हमको जो है दो नंबरों के बीच में फर्क मालूम पड़ता है ना, एडिशन के जरिए पड़ता है कि सब्ट्रैक्शन के जरिए, जमा के जरिए होता है कि तफरीक के जरिए होता है। उर्दू मीडियम के बच्चे अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए ठीक है। अब 502 माइनस 307 माइनस करने पे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या जवाब है। सर नंबर तो चलेगा ना, डिजिट्स? हाँ चलेगा, नंबर चलेगा। ओके चलिए, 76 माइनस 35 इज इक्वल टू 41, फाइंड आउट विच नंबर इज सबट्रैक्टेड। अभी आपको मैंने पढ़ाई थी ना, वो कौन सा नंबर है इन तीनों में से, वो कौन सा नंबर है जो सबट्रैक्टेड है, याद आ रहा है आपको? तो आप पता कीजिए दोनों में से सब्ट्रैक्टेड कौन सा नंबर तफरीक होता है, वो नंबर आप सिलेक्ट कीजिए ठीक है। ये तो बहुत आसान है, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आप तफरीक कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा आप उसे कीजिए। ये भी आपको तफरीक करना है, 6007 माइनस 2345। देयर आर डैश मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी तफरीक के कितने मेथड है, 2 है कि 3 है, 2 है कि 3 है, हमने पढ़े ना कितने हैं, वो आप सिलेक्ट कीजिए दोनों में से क्या आंसर है। सबट्रैक्ट 315 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आप माइनस कीजिए, आपको जो भी जवाब आएगा आप उस पर क्लिक कीजिए। सबट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ, सबट्रैक्शन का अपोजिट क्या है, डिविजन है या एडिशन है, यानी कि तफरीक का उलट क्या है, जमा है कि तकसीम है ठीक है। आपको पेपर कैसा लगा आप उस पर जो है क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए ठीक है सर। जी जी बिल्कुल शगुप्ता टीचर का माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए सर, वो बोल रही हैं। अह
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम मिस। ग्रीन बॉम्बे से मेरी बेटी ने ही फिल किए सर वो पेपर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। मिस सर्टिफिकेट आया क्या? आया ना। मिस शो कीजिए ना प्लीज, मुझे खुशी होगी। कैसे करूं? सर को दीजिए, शेयर करेंगे। सर आपको भेज दूं? मैं ये स्टॉप करती हूँ ना, करूँ सर? स्टॉप कर दूं? हाँ स्टॉप कीजिए। शगुप्ता मिस प्लीज आप कीजिए। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, उसमें सबके लिए है स्क्रीन शेयर। ठीक है सर, करती हूँ मैं स्क्रीन शेयर। बच्चों जो जो कर चुके हैं, सर्टिफिकेट मिला है तो प्लीज बताओ। हाँ माशाल्लाह, अशना मरियम अब्दुल वाहिद, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हो रही है। मस्त हो रही है। 100% सो हैप्पी। जज़ाकअल्लाह मिस। बारकअल्लाह फी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका भी मिस। हाँ 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 जरूर। नए स्टूडेंट्स और बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स अगर हो गया है तो बेटा मुझे सर्टिफिकेट का बताइए। आयशा इस्लाम वरालिया। वरालिया वराला वरालिया आयशा होगी सर। हाँ वेरी गुड। स्क्रीन शेयर की ना? जी मदनी स्कूल की है। वेरी गुड बेटा। हम बच्चों हर लेसन के बाद हम कुछ ना कुछ जो है तालीम हासिल करते हैं ना, इकदार की तालीम, जैसे तफरीक, हम और शरीयत, सब्ट्रैक्शन, वी, शरिया। आपको इससे पहले भी जो है हम बता चुके, तफरीक का मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना, है ना, तफरीक फर्क करना, है ना। हम दुनिया में भी जो है बहुत सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। और देखा जाए तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो फर्क यानी कि आपस में फर्क पैदा करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह हमको ये सब नहीं करना है। ठीक है, हमारी सांसें ना एकदम ऐसी गुजरती जा रही है, घटती जा रही है, दिन जो है दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, है ना। तफरीक का मतलब फर्क करना होता है, जैसे कि फुला मुसलमान है, फुला हिंदू है, फुला ऐसा है, फुला वैसा है, ये सब हमको नहीं कहना है, ये सब बातें अच्छी नहीं है, बल्कि हमको मिलजुल कर रहना है। ठीक है बच्चों, तो हमें हमारी शरीयत यही कहती है कि हमको क्या करना है, मिलकर रहना है, अलग अलग बटकर नहीं रहना है। चलिए अभी आपका जो है होमवर्क ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3245 माइनस 1127, 3245 में से आपको 1227 माइनस करना है, तफरीक करना है खड़ी में। 53005 माइनस 21969, आपको बच्चे सब माइनस करना है। ठीक है, अपने ये होमवर्क आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैर, आई हैव कम्प्लीटेड माई लेसन।